शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुम्हें हवेली चाहिए थी ना, जाओ दी तुम्हें पूरी हवेली। मुझे काव्या चाहिए। जिसके कारण इस घर का दीपक बुझा, उस अपशगुनी को इस मंदिर में दिया जलाने का कोई हक नहीं है। ये हवेली के पेपर्स कहाँ गए? डब्बा तो खाली है। हमें हवेली के कागजात चाहिए, उस पर काव्या के सिग्नेचर लेने का समय आ गया है। मेरे लिए एक एक दिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं तुम्हें इस घर से जल्द निकालना चाहती हूँ। अब रॉकी का पीछा करके मैं आसानी से पेपर्स ले लूंगा। सर, मैं शिका को एयरपोर्ट तो छोड़कर आ गया हूं, अब आगे क्या करूं? आज मैं एक खास प्रोजेक्ट में बिजी हूं और मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, सो आज तुम्हारी छुट्टी। छुट्टी? छुट्टी का मतलब घर पे आराम करो, रेस्ट करो, फोन आसपास ही रखो, फिर काम होगा तो मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। ओके सर। अब लगेगा रॉकी को 440 वोल्ट का झटका। आज क्या नया टास्क दिया है तुम्हारे बॉस ने? कुछ नहीं, बोलता है कुछ काम नहीं है, छुट्टी दी है मुझे। अच्छा, आज मुझे भी कोई टास्क नहीं दिया? ये कुणाल क्या सोचता है, क्या चाहता है, कुछ समझ में नहीं आता। मुझे तो इस बात का डर है कि वो 15 दिन के बाद अपने डील से मुकर ना जाए, कोई बहाना देकर इस हवेली को अपने नाम कर ले। मुझे तुम्हारा डर सही नहीं लगता। देखो, जितना मैंने उसे समझाया ना, वो ऐसा नहीं है। लेकिन आयु, देखो मैं समझाता हूँ। कुणाल को लोगों को टास्क देने में मजा आता है, पर जब कोई वो टास्क देता है ना, तो उसमें चीटिंग नहीं करता। इसीलिए भगवान करे कि तुम्हारी ये बात सच हो, क्योंकि मेरे पास भी कोई और ऑप्शन भी नहीं है। ना चाहते हुए भी ये डील ही एक तरीका है जिससे मैं इस हवेली को वापस पा सकती हूँ। शर्म और हया नाम की कोई चीज इस लड़की में बची ही नहीं। आज इन दोनों की खबर लेनी ही पड़ेगी। अरे दादी मां, रुक जाइए, कहां जा रहे हैं? इन दोनों पे ना उस कुणाल का हाथ है, इसलिए कुछ बोलने का फायदा नहीं है। जैसे ही हम उस कुणाल को इस हवेली से बाहर करेंगे, ये दोनों खुद ब खुद लाइन पे आ जाएंगे। तब तक जाने दीजिए। काव्या, आज रात में तुमसे अपनी हर बेइज्जती का बदला चुन चुन कर लूंगा, तुम्हें अपना बनाकर। एक चीज नोटिस किया आपने? ये कुणाल आज हमारे कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा है, ना तो ब्रेकफास्ट के लिए बाहर निकला और ना ही डिनर के लिए। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं ये पेपर्स का गायब होना और कुणाल का कमरे से बाहर ना निकलना, ये दोनों बातों का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं लग रहा है तुम्हें? हो ना हो, दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। पर हमें लगता नहीं है कि वो
पेपर्स उसके हाथ लगे हैं। अच्छा, और ऐसा क्यों लगता है आपको? देख नहीं रही हो, अभी तक हम हवेली में खड़े हैं। मतलब? मतलब ये कि अगर वो पेपर्स उसके हाथ लगे होते तो अभी तक हमें धक्के मारकर बाहर निकाल चुका होता। बात तो आप सही कह रहे हैं। परेशानी इस बात की है कि वो पेपर्स गए कहाँ, कौन लेकर गया आखिर में? क्या चाल चली है तुमने रॉकी, आज तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। एक में हवेली के ओरिजिनल पेपर्स हैं और दूसरे में काव्या। बस कुछ ही समय में शाबाश। कुनाल कुनाल कुनाल। घर के चप्पे चप्पे में सीसीटीवी लगाया है, लेकिन रॉकी ने हवेली के पेपर्स कहाँ रखे? कहाँ रखे होंगे? हार तो नहीं मानूंगा, पेपर्स तो हवेली के अंदर ही है। और हो ना हो रॉकी के कमरे में, रॉकी के कमरे की तलाशी लेनी होगी, लेकिन रॉकी के रहते मैं उसके कमरे की तलाशी नहीं ले सकता। किसी बहाने से उसे हवेली से बाहर भेजना ही होगा। कुनाल, आई होप तुमने मेरी डिमांड्स पूरी करने के लिए अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं। देखो मेरी जान, अब थोड़ा देर मत करना तुम, क्योंकि अब मैं बेसब्र हो रहा हूं। जल्दी हवेली पहुंचो और काम अभी के अभी हो जाना चाहिए। काव्या क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ वो क्या है ना, एक्सरसाइज करने से बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स, यू नो। क्या 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 होती है एंडोमॉर्फिन? एंडोमॉर्फिन्स मतलब हैप्पी हार्मोन्स, जो आप अक्सर रहती है। बस बस, ज्यादा अंग्रेजी मत सिखा मुझे। क्या हुआ, अब क्यों झगड़ा कर रही हो? देखो तो उसको, एक तो वैसे ही हम परेशान है, ऊपर से तुम। अब झगड़ा छोड़ो, सोने चलो। चलो कपड़े तो चेंज कर लो। हाँ
मैं आ रहा हूं। बना बनाया खेल बिगाड़ रहे हो। वो दोनों मेरे ही आदमी जो काव्या को लेके जा रहे। ये कौन सा तरीका है? तरीका? तुम्हारी जो फरमाइश थी ना, उसका बेहतरीन इंतजाम किया। हवेली के बाहर एक सुरक्षित जगह है जहां पे फैमिली नहीं होगी और कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा। तो मैंने अपना वादा ईमानदारी से निभाया है। अब तुम्हारी बारी। भरोसा रखो, मैं अपना वादा पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। Now you have fun. Enjoy. कौन हो आप लोग? मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मेरी बात सुनो, प्लीज मुझे यहां से जाने दें। दरवाजा क्यों बंद किया? प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो, दरवाजा क्यों बंद किया? कोई मेरी आवाज सुन सकता है?
कोई है? कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कोई है? कोई है? प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। रॉकी के लौटने से पहले मुझे हवेली में पेपर्स किसी भी हाल में ढूंढने पड़ेंगे। कुणाल गायत्री सिंह, तुमने हमारे नाक में दम कर रखा। तुम हमें सिवरे से बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो। Oh, my God.
आप जा कहीं भी है, अगर मुझे देख सकते हैं तो प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत डर लगता है। अक्सर मेरे मन में ये ख्याल आता है कि कभी कभी डरना भी जरूरी होता है। कौन बचाने आएगा तुम्हें इस वीरान सी जगह में? काव्या, मैं तुम्हारे करण भैया का वास्ता, मैं तुम्हारे करण भैया की विधवा हूँ। करण भैया की विधवा? नाम की विधवा काव्या, और वैसे भी मेरी नजर में जिस औरत ने कभी सुहागरात ना मनाई हो ना, उसे विधवा नहीं कुंवारी कहते हैं। और आज वो दिन है जब मैं अपने सारे अरमान पूरे करूंगा। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।